26 अक्टूबर को डांगी पार में युवक की हत्या में वांछित एक अभियुक्त अविनाश निषाद को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। हेमदापुर गांव में मंगलवार को भगवानी देवी नाम की महिला का उसके पड़ोस में रहने वाले राकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने चाकू से मारकर किया हत्या। मामला पिपराइस थाना क्षेत्र का एसपी नॉर्थ ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं 3 टीमें। जल्द होगा घटना का खुलासा। शिप्रा लॉन में शादी में मंगलवार की रात्रि गहनों से भरा बैग लेकर 2 महिलाएं हुई फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एसपी सिटी ने कहा सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही घटना का किया जाएगा खुलासा। क्षेत्र में लूट और डकैती करने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर उर्वा बाजार थाने ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। कंट्रोल रूम एवं डायरेक्ट 112 कार्यालय का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। त्रिनेत्र अभियान के तहत लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों के डिस्प्ले क्वालिटी को किया चेक। कहा ग्रामीण और शहर क्षेत्र में चिन्हित 450 से ऊपर चौराहों पर लगेगा हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे। रवि गुप्ता नाम के व्यक्ति का झाड़ियों में मिला शव। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर शाहबाजगंज का। एसपी नॉर्थ ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। IGRS पर आई शिकायतों का निस्तारण करना ही जनपद पुलिस का है पहली प्राथमिकता। एसएसपी ने कहा शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अपराधियों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया जा रहा है सम्मानित। गैंगस्टर एक्ट के अपराधी देवेंद्र उर्फ सतीराम यादव को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 200 ग्राम गांजा किया बरामद। भेजा जेल। माँ और बेटे ने दवा खाकर किया आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जनप्रिय विहार कॉलोनी का है। एसपी सिटी ने कहा घटना स्थल से पाया गया है सुसाइड नोट। आत्महत्या का स्वयं को ठहराया गया है जिम्मेदार। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। लाइव टीवी डिबेट में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द बोलने पर सिख समाज के द्वारा पुतला फूंक कर किया गया विरोध। 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगने का भदौरिया को दिया गया समय। नहीं मांगने पर अनुराग भदौरिया के घर के सामने उनका पुतला फूंकने की दी गई चेतावनी। लूट के आरोप में एक अभियुक्त अरविंद प्रसाद को उर्वा बाजार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 1 मोबाइल किया बरामद। भेजा जेल। ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात माह 2022 के अंतर्गत एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा एवं जीवन सुरक्षा कार्यशाला का किया गया आयोजन। सीओ ट्रैफिक ने कहा यातायात नियमों के बारे में पंपलेट बांटकर एवं शपथ दिलाकर छात्राओं को किया गया जागरूक। और 3 दिवसीय चल रहे जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। मुख्य अतिथि पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा खेल से शारीरिक विकास एवं तन मन रहता है स्वस्थ।